चलिए आने अंदर क्लास 11th का हम लोग पढ़ रहे थे क्या एनसीईआरटी मेट पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी मेट में चैप्टर 4 तक खत्म कर दिया, चैप्टर 5 भी समाप्त होने वाला। चैप्टर 5 में हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या में प्रश्नावली 2. कितना था ना 5.3 खत्म कर दिए हैं। अब देखेंगे इसका वीडियो प्रश्नावली, वीडियो प्रश्नावली देखेंगे। और जो जो वीडियो देख रहा है पहले सब्सक्राइब कर, और दो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर। एक तो है जगदेव JAGDEV जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला चैनल है मेरा, इसको भी सब्सक्राइब कर। एक तो जीके जीएस मस्ती कंपटीशन वाला है, इसको भी तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चल यहाँ ध्यान दे, यही है ना, यहाँ ध्यान दे, इसको हल करना है। तो तुम लोग को पढ़ाए थे बंदर, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को क्या पढ़ाए थे, पढ़ाए थे i = √_-1 पढ़ाए थे। अरे सब याद है रे, तब बनेगा। पढ़ाए थे i = √_-1 पढ़ाए थे। आज जब हम बताए थे तुम लोग को थोड़ा पीटल दे, चलिए यहाँ ध्यान दे, तो हम पढ़े थे आयोटा यानी i = √_-1 पढ़े थे ना। तो i² = क्या होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, क्या हो जाएगा -1 ना होगा। पूछेंगे i³ = क्या होगा, जल्दी बताओ, तो क्या लिख सकते हैं इसको, i² × i नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो i² के मान कितना हो गया, -1, i² के मान -1 गुना i = कितना, -i ना हो गया। पूछेंगे i⁴ = क्या होगा, इसको लिख सकते हैं i² लिख सकते हैं। तो i² के मान कितना, -1 कितना, आप फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 ना होगा। तो इसको हल करना है, इसी तरह हल करना है जैसे निकालते जा रहा है ना, उसी तरह इसको भी निकालना है। जब प्रश्नावली तुम लोग 5.1 देखा होगा तो यही बताए थे, बताए थे ना, नहीं तो तुम लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि i⁴ रहता है तो उसको 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, i⁴ रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1। तो इसको लिख सकते हैं हम इसी तरह डायरेक्ट लिख देते हैं i⁴ × 4, तो 416 हो गया ना, हमारे 416 ना हो गया। अब बोलेगा ये लोग ना i⁴ लिख दिए ना, समझ रहा है तुम लोग, इस तरह लिख सकते हैं i⁴ × 4, तो 416 हो गया। और फिर दो बच रहा है, तो दो बच रहा है तो +2 लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं। अच्छा 4 कहाँ लिखे, क्योंकि i⁴ = 1 होता है ना, होता है ना, तो 1 कर देंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/, यहाँ पर 1^25 देंगे तो 1n होगा, और यहाँ 25 देंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4×6 = 1 लिख सकते हैं। 6×6 = 24 ना हो जाएगा, होगा। अब यहाँ ध्यान दे, अब पावर 3 अब यहाँ ध्यान दे, हम जानते हैं कि i⁴ का मान कितना होता है, कितना होता है, तो 1 हो गया, 1 ना हुआ तो 1^ कितना हो गया। पहले यहाँ ध्यान दे, पहले एक स्टेप और करते हैं, इसको लिख देते हैं i⁴ × 4, अब +2 है, क्या है, +2, तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको गुना लिख सकते हैं i⁴ = 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान रहने पर गुना पावर जुटता है, इसलिए यहाँ जुटता है, यहाँ क्या कर ले, इसको गुना हम इस तरह अलग से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं i⁴ × 6, और यहाँ पे +1 है ना, तो +1 इसके मतलब एगो आई गुना में क्यों, क्योंकि आधार समान होने पर गुना पावर जुटता है, तो पावर ये कि यहाँ पर, तो फिर जुट जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा ना, हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको। अरे बोल रहे बंद, अब यहाँ ध्यान दे, तो i⁴ का मान कितना होता है, 1 कितना होता है, तो यहाँ दिए 1 कितना दिए, दे दिए, और 4 और गुना i² प्लस के i⁴ का मान कितना, 1 कितना, और 6 गुना आई के गुना आई। अब बताओ 1 के 4 गुना करेंगे तो 1 क्यों होगा, ना होगा, और i² प्लस के प्लस, अब यहाँ 1^6 तो 1 क्यों होगा, और 1/i यहाँ पर है, 1/i हो गया। हम जानते हैं कि i² का मान क्या होता है, -1, देखो i² का मान कितना होता है, -1 ही होता है, तो यहाँ लिख दिए -1, क्या लिखें, और आई यहाँ ध्यान दे, यहाँ 1/i है, तो हम जानते हैं कि नीचे जैसे रूट में संख्या को रखते हैं उसी प्रकार नीचे आई में संख्या को नहीं रखते हैं, बताया था ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको नीचे से आई को हटाने लिए क्या करना पड़ेगा, तो करते हैं परिमेयकरण, क्या करते हैं, यानी आई से ऊपर नीचे गुना कर दें, तो 1 × i क्या हो गया, +1 1 × i क्या हो गया, i × i क्या हो गया, i² हम जानते हैं -1 का -1, और हम जानते हैं कि i² का मान कितना होता है, -1, i² का मान कितना होता है, तो यहाँ पर -1 देंगे, तो -1 और प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 से i में भागा देंगे तो i n होगा। अब यहाँ पर पावर 3 मेरा छूट रहा था, पावर 3 कौन देगा, नहीं छूट रहा है, छूट रहा है ना, तो यहाँ पर पावर 3 अब लगा दे, क्या सूत्र लगा दे, इसको हम ऐसे करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + i³ ना हो जाएगा। अब सूत्र तुम लोग को याद है, +b का होल क्यू याद है,
याद है तो लगा ए प्लस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर होता है तो लगा दे तो देख यहाँ पर ए क्यू ए मेरा क्या है वन तो वन के क्यू बी मेरा क्या है आई तो आई का क्यू पहले यहाँ पर माइनस है बाहर में क्या है माइनस ए के क्यू तो ए क्यू बी के क्यू यानी आई क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी तो थ्री ए स्क्वायर यानी वन स्क्वायर लिख दिए अरे स्क्वायर लिखे क्यू लिखे कितनों में एक पर लिखेंगे कोई फर्क पड़ने वाला ना है लेकिन देखिए यहाँ पर थ्री ए स्क्वायर बी बी मेरा कितना है आई यही है ना बी कितना है आई प्लस थ्री ए बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर यही हो गया ना अब देखिए वन के करेंगे तो पहले माइनस देते वन के करेंगे तो वन प्लस के आई क्यू को क्या लिखेंगे तो आई क्यू बराबर बताए थे माइनस आई ना बताए थे नए समझ रहे थे इसको फिर तोड़ दे आई स्क्वायर इंटू आई नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं प्लस के प्लस थ्री एक के स्क्वायर करेंगे तो एक के होगा और तीन गुना है क्या होगा तीन होगा और आई के आई होगा प्लस के और एक आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस वन आई स्क्वायर का मान कितना होता है तो यहाँ माइनस वन देंगे तो माइनस वन गुना प्लस तो क्या होगा माइनस हो जाएगा माइनस में ना होगा और तीन एक का तीन तो माइनस में तीन हो गया माइनस में क्या हो गया तीन हो गया अब यहाँ ध्यान दें माइनस के माइनस वन के अब यहाँ प्लस यहाँ प्लस के लेकिन हम जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है आई स्क्वायर का मान होता है माइनस वन क्या होता है जैसे यहाँ माइनस वन रखेंगे तो प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस हो जाएगा और आई के आई आई स्क्वायर खत्म हो गया क्योंकि आई स्क्वायर का मान हम माइनस वन रख दिए क्या रख दिए अब प्लस के प्लस थ्री आई के थ्री आई माइनस थ्री के माइनस थ्री अब यहाँ ध्यान दें माइनस के अब देख माइनस में तीन आर एगो प्लस में तो तीन में से एक गया तो माइनस में दो गो ना होगा प्लस में तीन गो आई उसमें से एगो आई चल गया तो के गो तो माइनस अथी प्लस में दो गो आई प्लस में अरे यही ना होगा अब देखिए माइनस बारह में इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस और टू आई के टू आई इसी को हल करना था आंसर समझा तुम लोग तो बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए मान ज्ञात सफा दिख रहा है कि अंधार पूरा आरम्भ हो गया।